मेरा ये सौभाग्य मैं एक ही महीने में एक फोर्टनाइट के अंदर दूसरी बार दिल्ली विश्वविद्यालय में आ रहा हूं। मैं पिछले बार भी कहा था, मैं कभी भी आता हूं तो मेरा मन में थोड़ा ईर्ष्या होती है। काश मेरे विद्यार्थी जीवन में मैं जीयू का छात्र हो सकता। आज अनेक कार्यक्रम अभी इन दिनों में शताब्दी समारोह के दौरान शुरू हो गई है। इस सेमिनार की उस जिस कंटेंट को लेके आने वाले दिनों में स्वराज्य से न्यू इंडिया की जो प्रवास हुई है, विशेष करके पिछले 7 साल नहीं, इस बीच में 8 साल हो गया है, 2014 मई से 2022 मई, इस क्षण में हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नई भारत बनाने की जो एक नेतृत्व चल रहा है उसकी 8 साल अभी पूरा होगा 30 मई को। इस क्षण में, इस काल में जो जो चीज अच्छे हुए हैं, लक्ष्य भारत को 21वीं सदी में एक महाशक्ति के रूप में पुनः स्थापित करना। भारत तो महाशक्ति पहले से ही है, समय चक्र में कभी कभी कोई ऊपर आता है, कोई नीचे आता है, लेकिन मैं इसीलिए मित्र पुलकित हूं, हम सब मिलकर 21वीं सदी में भारत को एक महाशक्ति के रूप में बनाना शुरू कर दिए, उसकी प्रवास शुरू हो गया है। संयोग दिल्ली यूनिवर्सिटी उसकी नेतृत्व कर रहा है और VK R.V. राव भारत के मंत्री भी बने, यहाँ पर लाला हरदयाल भी पढ़े। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की, देश की आजादी में एक विचार को युवाओं में प्राण फूंकने का काम किया। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को भी यही कुछ समय के लिए स्थायी रूप से रखा गया। गांधी इरविन पैक्ट भी यही यूनिवर्सिटी के कैंपस में हुआ। चंद्रशेखर आजाद भी यही यूनिवर्सिटी में रहे। देश के आंदोलनों को परिणाम तक पहुंचाने का माध्यम ये दिल्ली यूनिवर्सिटी रहा है और मैं मानता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना ये काम, अपनी ये परंपरा को और गौरव के साथ आने वाले कई वर्षों तक बनाए रखेगी। आज ये 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की प्रार्थना प्रारंभ हो रहा है। इसका जो विचार रखा है, मतलब इसकी जो थीम रखी है, वो कई लोगों को ना समझ में आएगी, ना कई लोग इसका महत्व जान पाएंगे।